आपने जो थंबनेल में देखा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में टैबलेट पैनक्रियोफ्लैट का उपयोग और डोज के बारे में भी जानेंगे। टैबलेट पैनक्रियोफ्लैट के बारे में जानने से पहले संक्षिप्त में पैनक्रियाज के फंक्शन को जानना जरूरी है। पैनक्रियाज पाचन तंत्र का एक अंग है जो एब्डोमेन में स्टोमेक के पीछे होता है। यह डुओडिनम से एक छोटे नली से जुड़ा होता है जिसे पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। पैनक्रियाज इसी डक्ट से पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को डुओडिनम में स्रावित करता है। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में लाइपेज, प्रोटीएज और एमाइलेज होता है जो क्रमशः फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। यदि किसी कारणवश पैनक्रियाटिक एंजाइम्स पर्याप्त मात्रा में न बनता हो या डुओडिनम तक नहीं पहुंचता हो तो भोजन का पाचन पूर्णतः नहीं होगा और यही अपचित भोजन स्टूल के द्वारा निकलता है जिससे स्टूल चिकना और दुर्गंधित हो जाता है जिसे मेडिकल भाषा में स्टेटोरिया कहते हैं। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के अपर्याप्त मात्रा को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन इनसफिशियंसी कहते हैं। यह पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन इनसफिशियंसी चार कारणों से होता है। पहला कारण है पैनक्रियाटाइटिस जिसमें पैनक्रियाज फूल जाता है और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है। दूसरा है सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसमें पैनक्रियाटिक डक्ट में म्यूकस जमा हो जाता है जिससे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स डुओडिनम तक नहीं पहुंच पाता है। और अंतिम दो कारण है पैनक्रियाटिक कैंसर तथा पैनक्रियाज सर्जरी यानी पैनक्रियाटिक इनसफिशियंसी में पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की कमी के कारण भोजन पूर्णतः पच नहीं पाता है। इसीलिए भोजन को पूर्णतः पचाने के लिए बाहर से लाइपेज, प्रोटीएज और एमाइलेज एंजाइम्स दिया जाता है। इन्हीं तीनों एंजाइम्स के कमर्शियल मिक्सचर को पैनक्रियाटिन कहते हैं और पैनक्रियाटिन का फेमस ब्रांड पैनक्रियोफ्लैट तथा क्रियोन है। पैनक्रियोफ्लैट या क्रियोन का उपयोग पैनक्रियाटिक इनसफिशियंसी जैसे पैनक्रियाटाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पैनक्रियाटिक कैंसर तथा पैनक्रिया सर्जरी में किया जाता है। पैनक्रियोफ्लैट में पैनक्रियाटिन के साथ साथ एक्टिवेटेड डाइमेथिकॉन भी होता है। एक्टिवेटेड डाइमेथिकॉन एक एंटी फोमिंग एजेंट है जो पेट में गैस और ब्लोटिंग को होने नहीं देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि पैनक्रियोफ्लैट को लेने का सही तरीका क्या है। चूंकि इसमें एंजाइम्स होता है इसीलिए इसे खाना खाने के दौरान या खाना खाने के तुरंत बाद लेना चाहिए। साथ ही साथ इस दवाई को लेने के बाद पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। इनके
कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे स्टोमक पेन, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग पैनक्रियोफ्लैट, यू कैन कमेंट इट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर।